नमस्कार सद्गुरु, आश्रम में कई पवित्र स्थान हैं जहां मैंने आपके पदचिन्ह पत्थर पर खुदे हुए देखे हैं, और इसी तरह के पदचिन्ह मैंने अपने दोस्त के घर पर भी देखे हैं। तो मैं पूछना चाहता था कि क्या ये पदचिन्ह आपके हैं और इन्हें अपने घर पर रखने का क्या महत्व है? मैं इतना भारी नहीं हूं कि अगर मैं चलूं तो पत्थर पर पदचिन्ह रह जाएं। पता है, संस्कृति और इस सभ्यता में हमने मानव शरीर को केवल उसके शारीरिक आधार पर ही नहीं देखा है, बल्कि उसके ऊर्जा संबंधी पहलुओं पर भी ध्यान दिया है। योग में जैसे एक भौतिक शरीर होता है, वैसे ही एक मानसिक शरीर और एक ऊर्जा शरीर होता है। इसे प्राणमय कोष कहते हैं। तो प्राणमय कोष कई अलग अलग तरीकों से हो सकता है। इन 72,000 नाड़ियों में से भले 20% से थोड़ा ही अधिक सक्रिय हो, पर आप ठीक से जी सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप में कोई कमी है। ये इतने अद्भुत तरीके से बना है कि अगर आपको 20% अंक मिल रहे हैं तो भी आप पास हैं। ऐसा हुआ, शंकरन पिल्लय अमेरिका में एक परीक्षा दे रहे थे और वो गणित में एमएससी के लिए प्रवेश स्तर की परीक्षा दे रहे थे, लेकिन थोड़ा उन्होंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। तो जब उन्होंने टेस्ट पेपर सबमिट किया तो पेपर के बीच में 100 का एक नोट दबा दिया और लिख दिया, प्रत्येक अंक के लिए $1। 100 में से 100। तो जब रिजल्ट आया तो पेपर वापस आ गए। उन्होंने खोला तो कई नोट नीचे गिरे। उन्होंने बस 100 का एक नोट दिया था, लेकिन कई नोट नीचे गिरे। उन्होंने नोट उठाए और गिना तो कुल $73 थे और अंक तो ऊर्जा शरीर ऐसा है कि अगर ये 20% से थोड़ा भी अधिक सक्रिय है तो आप एक पूर्ण जीवन जिएंगे। ना तो आपको पता चलेगा और ना ही किसी और को पता चलेगा कि आप में कोई कमी है। शानदार है ना? क्या गिफ्ट है? 20% भी काम कर रहा है तो आप ठीक रहेंगे। तो बाकी का 80% किस लिए है? उन 72,000 नाड़ियों में से बाकी क्या कर रही हैं? इसके कई पहलू हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। हम सीधे पैरों पर आते हैं। तो अगर आपने अपनी ऊर्जा को एक खास तरीके से सक्रिय कर लिया है, अगर आपने नहीं किया है तब भी यह सच है, आपके हाथ, हथेलियां और तलवे ऊर्जा की दृष्टि से हमेशा बहुत सक्रिय रहते हैं। किसी का सिर्फ हाथ पकड़ने से आपको दूसरी शारीरिक चीजों की तुलना में उसके साथ कहीं ज्यादा आत्मीयता महसूस होगी। सिर्फ हाथ पकड़ना आपको इस तरह से बांधता है क्योंकि ऊर्जा की दृष्टि से हाथ पकड़ने पर एक खास तरह की निकटता होती है। असल में जब वासना होती है तब कामुकता होती है, पर जब प्यार होता है तो आमतौर पर हाथ पकड़ा जाता है। हाँ, क्योंकि अगर आपको इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी आप ये जानते हैं कि इस तरह से आप सबसे नजदीक महसूस करते हैं। यही कारण है कि इस संस्कृति में जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, हाथों के मिलने से शानदार चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप 20% 27% होने की बजाय अगर आप 90% या 100% या कम से कम 90 से ज्यादा करीब हैं, तब आपके हाथों और पैरों की क्षमताएं बिल्कुल अलग होती हैं। इसी आधार पर यह चीज आई है कि
इस संस्कृति में कोई भी ऋषि, संत, योगी, कोई भी, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर कोई कहता है कि वो संत हैं, तो आप उनके चरणों में गिर जाते हैं, क्योंकि आप कुछ ग्रहण करना चाहते हैं। वहीं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके पैर छूने चाहिए, माता पिता या कोई भी हो। आमतौर पर प्राचीन भारत में लोग तब भी, जब वो कुछ नहीं थे, अगर उन्होंने अपने भीतर कुछ भी हासिल नहीं किया है, तब भी लोग झुकने या पांव छूने के योग्य माने जाते थे, अगर वो 500 चक्र पूरे कर लेते थे, जो कि लगभग 60 वर्ष की आयु होती है, क्योंकि तब तक जीवन एक खास तरीके से परिपक्व हो जाता है। आपकी ऊर्जाएं आपके शरीर के कुछ अन्य क्षेत्रों से हट जाती हैं और आपके हाथों और पैरों में थोड़ी अधिक केंद्रित हो जाती हैं। तो इस संस्कृति ने इसे पहचाना और कहा, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो आपको उनके पैरों को जरूर छूना चाहिए, क्योंकि इसमें लाभ है। अगर कोई योगी, संत या ऋषि है, या आप उन्हें जो भी समझते हो, आप उनके पैर छूते हैं, या अगर आपको कोई देवता दिखता है तो आप उनके पैर छूते हैं। आप किसी देवता को गले लगाकर किस नहीं करते, ठीक है, आप उनके पैर छूते हैं, क्योंकि वहां अधिकतम ग्रहणशीलता या देने की क्षमता है। तो संदर्भ में पैर या पैरों की छाप को अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। आपको उन लोगों से जरूर बात करनी चाहिए जिनके घर में सन्निधि है, उनके लिए इसका क्या मतलब है और ये उनके लिए क्या करती है। इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो चीज आम तौर पर आपको शारीरिक रूप से वहां उपलब्ध नहीं होती, जहां आप रहते हैं, वो आपके लिए उपलब्ध है, वरना आपको उसे खोजने के लिए मंदिर या किसी अन्य स्थान पर जाना होगा, लेकिन अभी आपके घर में जीवित है, क्योंकि ये खास तरीके से प्राण प्रतिष्ठित की गई है। वैसे आपको कुछ पत्थर के पच्चिन दिखेंगे जिनमें पवित्र राख भरी होगी, वो एक खास तरीके से प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं। एक और है जो तांबे या पीतल का पच्चिन है, वो भी प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ है। एक और है जो बहुत अधिक जीवंत है। अगर आप सन्निधि को अपने घर में मंदिर की तरह उपयोग करना चाहते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के अनुभव करने के लिए भी, तो आप इस सन्निधि को रख सकते हैं।